आरसी और सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये देश को तोड़ने वाला बिल, संविधान की हत्या, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन सीएए इसको साफ तौर पर कहता है ये हम गलत नहीं होने देंगे, ये मुल्क में धर्म के नाम पे बंटवारा कराना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। तो आप यहाँ आज इतनी रात को, आधी रात को आप क्यों आए हैं यहाँ पर? खुशी से नहीं है, मैं नहीं हूँ, आप अपना कैमरा घुमा के देखिए, लाखों लोग हैं, इसलिए हैं क्योंकि तकलीफ महसूस कर रहे हैं। ये जो बंटवारे का सावरकर की आइडियोलॉजी जो है टू नेशन की देश में थोपी जा रही है, हम इसके खिलाफ है और मुल्क को बचाना चाहते हैं, अपनी एकता के लिए, कौमी एकता के लिए, देश की एकता के लिए, भारत के संविधान की सुरक्षा के लिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि पीसफुल प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, वो ही कर रहे हैं। इसमें भी पुलिस अंदर घुस घुस के मस्जिद में 3 बार लाठी चला चुकी है। सरकार हमारे प्रोटेस्ट को रोकना चाहती है, इनके गुंडे हमारी भीड़ में घुस के हमारे लोगों के बीच आके, वो तो अनजान है, उनकी भीड़ में आकर उनको जो है वो पथराव करते हैं पुलिस पर, पुलिस उन पे और हमारे लोगों को हिंसक साबित करने पर आते थे। आरएसएस के लोग हमारी भीड़ में घुस रहे, यहाँ भी थे, हमने निकाले बड़ी मुश्किल से। हम हिंसक नहीं है, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते और ये हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारा अधिकार है, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको करते हैं जब तक सीएए और एनआरसी विड्रॉ नहीं होती। आप मोदी जी और अमित शाह जी को कोई संदेश देना चाहेंगे? जहाँ हुए आपने देश तो जला दिया, अपनी तानाशाही के, अपने गलत नीतियों के चक्कर में, अगर थोड़ी सी राष्ट्रभक्ति बची है तो इस्तीफा दीजिए और ये सीएए विड्रॉ कराइए, एनआरसी विड्रॉ कराइए। जो मुल्क के लोग नहीं चाहते उनको राजा राजतंत्र में थोप दिया करते थे, लोकतंत्र जनता तय करते क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़िया जाता जनता, तो जनता ये चाहती सीएए एनआरसी ना हो, कोई धर्म कोई मजहब के लोग नहीं चाहते, इसलिए काले कानून को वापस ले लें, इसी में सबकी भलाई। और मुल्क को बिपिन रावत जी कह रहे हैं, आर्मी चीफ कह रहे हैं कि सी उस पर क्या नाम जो है एलओसी पे खतरा है, एलओसी में हमला हो सकता है, तो उसकी तरफ देखें, मुल्क के बाहरी लोगों की तरफ देखें जो मुल्क पे हमला करना चाहते हैं, हम सब लोग उनके साथ हैं, लेकिन मुल्क का बंटवारा करेंगे तो मुल्क का ये विरोध जरूर हमारा जाएगा। एक बात ये भी आ रही है कि इसको बहुत ज्यादा ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? पूरे मुल्क का मुद्दा है, कोई भी हर व्यक्ति को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। ये झूठ बोल रहे हैं, ये बड़ा झूठ बोल रहे हैं, झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पूरे मुल्क को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और अंतिम लाइन ये होगी कि जो लोग परेशानी झेलेंगे, जिनके साथ ये जिनको एक घुसपैठे साबित करेंगे, उनके अधिकार छीन लेंगे, उनकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे और फिर इस देश में मनुस्मृति लागू करेंगे, संविधान खत्म करेंगे, ये नहीं होने दिया जाएगा। जब तक हम लोग हैं हम संविधान की सुरक्षा करेंगे। आपने सुबह जब आप यहाँ आए थे तो आपके पास संविधान की एक कॉपी थी, तो उसको आप क्यों खासतौर से कोई आपका मैं उसी की रक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। मैंने यहाँ के प्रस्तावना पढ़ी थी कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने यही अपील की थी जब देश का बंटवारा हो रहा था। अमित शाह जी ने बोला 100 करोड़ घुसपैठिए, देश की आबादी 130 करोड़ के लगभग है, यानी कि 100 करोड़ मुसलमानों की आबादी तो नहीं है, लेकिन घुसपैठे कौन हुए? दलित, पिछड़े, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक, सेकुलर लोग जो इनकी आंखों में चुभ रहे हैं, वो जो बीजेपी के साथ है वो घुसपैठे नहीं, बाकी लोग घुसपैठिए। हम मर जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे तो हम घुसपैठिए सही, लेकिन ये हमारा मुल्क है, हमें किसी को एनआरसी के लिए कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। अमित शाह दिखाए ना अपनी डिग्री, नरेंद्र मोदी दिखाए, ईरानी जी दिखाए, वो तो दिखा नहीं रहे अपनी डिग्री अभी, उन पे तो राफेल की फाइल चोरी जाती तालों में से। तो यहाँ आम आदमी से दलितों पे, तो मैं दलित वर्ग की तरफ से बोलता हूँ, 55% दलितों पे, 54% दलितों पे एक जमीन नहीं, कहां से लाएं कागज? आप उन्हें मुल्क से निकालना चाहते हैं, उनको बंद करना डिटेंशन कैंपों में, तो हम अपने हक के लिए यहाँ बैठे, खुशी से नहीं, तकलीफ, मुल्क को टूटते नहीं देखना चाहते, इसलिए यहाँ। शुक्रिया। Thank you.